हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर 6 प्लस। मेरा नाम है पवन यादव और आज मैं आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग के बारे में बताऊंगा। देखिए, मेरे पास ये दो बोर्ड हैं, एक तो ये है GH110M और एक ये बोर्ड है जिसका है H61। ठीक है, दोनों ही गीगाबाइट के मदरबोर्ड है और दोनों में ही डिस्प्ले नहीं आ रही थी, तो इस पे मैंने काफ़ी वर्क किया और अब मैं इस पे डिस्प्ले आ चुकी है और इस पे डिस्प्ले नहीं आई है। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डिस्प्ले विदाउट LED के भी हम डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसकी वायरिंग वगैरह यहाँ से कर दी है SMPS से और फ़ैन को साइड में रखा हुआ है ताकि आपको दिख जाए कि हाँ ये ऑन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें पावर ऑन कर दिए हैं। अब जैसे ही पावर ऑन करेंगे हम, एक सेकंड, देखिए फ़ैन चल चुका है। पावर ऑन होते ही फ़ैन अपना वर्क करने लग गया है और इस पे आ चुकी है पावर, पूरे इस मदरबोर्ड में उन सब में आ चुकी है। और ये देखिए, यहाँ पर कीबोर्ड में नंबर लॉक अगर ये ब्लिंक कर रहा है, इट्स मींस इसका मतलब है हमारे मदरबोर्ड में डिस्प्ले आ गई है। ठीक है, आगे मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस पर फ़ैन कैसे लगाया जाता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स के क्या क्या पार्ट्स ठीक किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी टॉपिक में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।